महाराज नहुष के बड़े पुत्र थे यति महाराज। यति महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। दूसरे पुत्र थे ययाति महाराज। तो ययाति महाराज का विवाह शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की के साथ हुआ था। राजन परीक्षित, शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, ययाति महाराज क्षत्रिय थे। ये कच का श्राप लगा हुआ था। कच ने यह श्राप दिया था देवयानी को कि तुमसे कोई भी ब्राह्मण विवाह नहीं करेगा, तुम्हारा विवाह होगा तो किसी न किसी क्षत्रिय से होगा। देवयानी बरनी बनी थी, सर्वेष्ठा जो राजा की लड़की थी वो दासी बनी। देवयानी के उधर से दो पुत्र पैदा हुए और दासी के उधर से तीन पुत्र पैदा हुए। राजन परीक्षित, सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने कि कल हमारे पुराने परीक्षित जी मुनेश जी बता रहे थे कोई काउन दान बुलवाओ के जी हमारे साड़ू में बताई चीनी बुलवाई से। बढ़िया बात है, उनके साड़ू ने चीनी बुलवा दी है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, साड़ू का कोई रिश्ता नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। गाजर को संकोए, बच जाए तो ठीक है और न बच जाए तो खाई लो। ओ भैया देखो काऊ को चल लो हो तो बुराई तो मानी हो मत, पर मेरी समझ में ये रिश्ता है ही नहीं। और तुम जिकाओ के हमने बना के कह दिए तो कोई जगह का पप्पू निभाते होंगे, तो फिर पूछ लो जाके हीरापुर चले जाइयो मालिम पंजाब। साड़ू की तो खैर दूरी की रिश्तेदारी पड़ जाती है, करीब 25 वर्ष से मैं अपनी ससुराल नहीं गया। ध्यान करो आज के नौजवान बालक तीन दिन आपे घर है और तीन दिन ससुराल में, फिर एकाध दिन और व्यतीत है जाए तो जब ससुराल जाए तो 15-15 दिन लौटे ही लौट चोना मालूम है। खातर होते सवेरे नाश्ता आ जाता है, सास हाथ फिरा के दही बूरो खवा दे खूब। लेकिन मेरी बात कांठ बांध लियो, ससुराल कम ते कम, ज्यादा न निठे तो एक साल में एक बार, और बिना जरूरत के जाओ ही मत। एक बार जब बंटी गए स्टूडियो भाई पे ससुराल, ये कैमरा चला रहे कहां अब्बा में कमरा में पड़े रहे, सोच 15 दिन लौटे ही, जब ना लौटे तो एक सारी ने विचार करो कि जीजा मोल गए था बिल्कुल गड्ढर हुए। जा नगरा पे दोनों टाइम हमाओ खाने को नो तो आ रहा होगा, बढ़िया बढ़िया अच्छो तो जे परीक्षित और मुनेश जाई थांग में रहता है कि आज पप्पू की रोटी कहां है दोनों। अच्छा और बिना बुलाए धीरे से दा पाए आप पहुंच जाते हैं सांझे को वहीं हमारे पीछे। तो ध्यान रखना श्रोता बंधु, तो ससुराल में कम से कम जाना चाहिए ये बताया मैंने। आप रामायण को उठाकर देखें, भगवान राम जब जनकपुर से विवाह करके लाए थे कौन दोबारा रामायण में जी लिखी है कि राम फिर बूढ़े घाय गए बताओ। क्या भगवान कृष्ण ने विवाह किया था रुक्मणी के साथ तो फिर कन्हैया गए कहूं बूढ़े घाय नहीं गए। अब तो सनून आजा रक्षाबंधन था तो 15 दिन पहले जाते हैं और 8 दिन बाद आते हैं। तो जे गए ससुराल में, अब जाबे को नाम नहीं लो, सो कमरा में परे पहले कमरा की जो किवार होती काठ की वह काले तेल तो पोत देते। सो खड़िया उठाई जो बंटी ने वहां पर लिखी कि ससुराल सुख की सार,
सारी ने ज्यादा चाला कही होशियार ही पढ़ी लिखी जुबान एक लाइन नीचे बढ़ा दी का दिना द्वैचा सुख की सार तो है पर द्वैचा तो नहीं की है भाई लोटा दे के आए घूम के डोले के खेतन वहां सुनने की जो बच्चों मेरे ही ऊपर लिख दी है सुनने एक लाइन और बढ़ा दी नीचे का दिना दस बीस जी लिखी जी जान दिना दस बीस लड़की खाने की कहवे आई जबान किवार पर नजर डारी तो वहां पर लिख गई कि ससुरार सुख की सार दिना दो चार जी जान बढ़ा दी दिना दस बीस सो लड़की ने नीचे लान बढ़ा दी कि पढ़ा पच्चीस। अब जब वो पढ़ी लान तब कही के वो माता जी हमारा झोला हो क्यों कहां जा रहे लला जा रहे हैं हमको काम खराब कब चले तब सब कुछ के बाद तब तो ध्यान रखना से कम कम से कम तो बात चल रही थी देखो वही मैं भागवत से बता रहा हूं वही आपने आल्हा सुनी हो तो आल्हा में मलखान और पारस सगे साड़ू थे दोनों दोनों तो जब वे दोनों उनकी घरवाली मायके में खिट्टी वही तो पारस की घरवाली ने कही मलखान की पत्नी से कि जीजी मैं जी सुनिए कि जीजन को कालू ही ना है कि ललित तो मालूम ना है कालू तो उनको है पत्तरवा में नीचे अपने अपने जब घर को गई तो पारथ की घरवाली ने बता दिया पारथ को कि मलखान का काल तरवा में है पारथ ने बता दिया पृथ्वीराज को तो पृथ्वीराज ने कहा कि मलखान लड़के तो हम जीत नहीं पाए तुमसे पर मैंने जिस सुनिएगा तुम्हारा घोड़ा बहुत अच्छा उड़ता है एक बार दिखा दे तो मलखान उस बात को नहीं समझ पाए जब घोड़ा पे बैठ के उड़े मनसुख पे तो नीचे तो पृथ्वीराज ने तरवाम बाण मारो खींच के कहां रही साडू की नातेदारी और